चलो बेटा देखो तो आज हम आपको सेल साइकिल इस नए एपिसोड में सेल साइकिल पढ़ाते हैं। मैंने सेल बायोलॉजी आपको पढ़ा दी है लगभग, अब हम आपको इस साइकिल में सिखाते हैं। सेल साइकिल का मतलब आप समझिए, सेल साइकिल वो साइकिल है जिसमें एक सेल जो है प्रिपरेशन करती है तैयारी की, डिवीजन की तैयारी करती है कि सेल का डिवीजन कैसा हो। तो सेल का डिवीजन कैसे होता है, सेल प्रिपरेशन कैसे करती है, सेल तैयारी कैसे करती है, हम इस एपिसोड में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो देखिए ये है सेल साइकिल। ये इस सेल साइकिल में देखिए दो फेज मेनली होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है सेल साइकिल का, उस फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। यह सेल साइकिल का पहला फेज होता है, इसे हम लोग इंटरफेज कहते हैं। यह सबसे पहला इंटरफेज होता है। तो सेल साइकिल के इंटरफेज में फर्दर इस इंटरफेज के तीन फेज होते हैं। अगर आपको तीनों के नाम क्लियर करने हैं तो आप तीनों के नाम कर लें। सबसे पहला फेज होता है जिसे जीवन कहते हैं, चाहे इसे जीवन कहें और चाहे इसे गैपवन कहें। दूसरा फेज होता है जिसे यस फेज कहते हैं, ये यस फेज है, जिसे हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं। यस फेज का दूसरा नाम सिंथेटिक फेज है क्योंकि इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सिंथेटिक फेज कहते हैं। तीसरा फेज होता है जिसे जी टू फेज कहते हैं, या इसी को हम लोग गैप टू फेज कहते हैं। मतलब आपको ये बात समझनी है कि सेल साइकिल के दो फेज मेनली होते हैं, एक फेज होता है इंटर फेज और दूसरा फेज होता है जिसे हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। इसी माइटोटिक फेज में एक्चुअली सही सही सेल का डिवीजन होता है। अगर आप माइटोटिक फेज का शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इस माइटोटिक फेज का शॉर्ट फॉर्म होता है यम फेज। ये देखिए, मतलब इस तरह से एक सेल साइकिल चलती है जिसमें इंटरफेज और माइटोटिक फेज दो फेज होते हैं। इंटरफेज में फर्दर तीन फेज होता है, जी1 या सॉरी जी2 होता है। इस माइटोटिक फेज में अगर आप देखिए तो सबसे पहले इसका एक मेन स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माने होता है, सिंपल भाषा में लिखा जाए तो इसे हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। मतलब अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो इसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये देखिए कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस में फर्दर चार फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है जिसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं, दूसरा फेज होता है जिसे हम लोग मेटाफेज कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। तीसरा फेज होता है बेटा जिसे हम लोग एनाफेज कहते हैं, ये इसका कैरियोकाइनेसिस का तीसरा फेज है। और एक चौथा फेज होता है जिसे हम लोग टेलोफेज कहते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि जब सेल को डिवीजन में जाना है तो सेल पहले इंटरफेज में प्रवेश करेगी, इंटर करेगी, फिर माइटोटिक फेज में जाएगी। तो अगर इंटरफेज में जाएगी तो पहले वो जी1 में जाएगी, फिर यस में जाएगी, फिर जी2 में जाएगी। अगर आप ये देखिए तो अगर वो आप इसका साइकिल बनाना चाहें, चक्र बनाना चाहें, तो साइकिल कैसे बनेगी आप यहां देख लें। ऐसे ये है सेल साइकिल का एक चक्र। अगर आप यहां देखना चाहें तो ये देखिए, अगर ये सेल है पेरेंट सेल है जिसको डिवाइड होना है, तो सबसे पहले ये सेल जी1 में जाती है, फिर ये सेल यस में जाती है, फिर ये जी2 में जाती है। आपको मैं बता दूं जी1 या जी2 को तीनों फेज को मिला के इंटरफेज कहा जाता है। इस तीनों फेज में सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए इंटरफेज को हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। मैं भी अभी आपको एक एक फेज करके पढ़ाता हूं। फिर देखिए इसके बाद पहला फेज आता है जिसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं, ये देखिए प्रोफेज। फिर सेल आती है उस फेज में जिसका नाम मेटाफेज है, मेटाफेज है। फिर एक फेज है जिसे हम लोग एनाफेज कहते हैं, एनाफेज है। सेल अभी तैयारी कर रही है, मतलब डिवीजन जा रही है, उसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एक फेज है जिसे टेलोफेज कहते हैं। जब ये चार फेज पूरा कर लेती है तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। ये देखिए एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर बेटा साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस माने ये होता है कि अब सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मतलब अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं सीधी भाषा में, सरल भाषा में, कि सर इसको तो हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहते हैं। मतलब अगर आप समझे तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होता है। ये अगला फेज होता है सेल साइकिल का, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये देखिए एक सेल जो है फर्दर दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से एक सेल साइकिल पूरा करती है, पहले वो जी1 में, फिर यस में, फिर जी2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस में। और अगर सेल को डिवीजन में नहीं जाना है, संन्यास ले लेना है, तो सेल को जी0 फेज में चली जाती है। मतलब डिवीजन में नहीं जाती है। तो अगर सेल को जी0 में जाना है तो जी1 से जी0 में चली जाती है, वो संन्यास ले लेती है, उसका डिवीजन नहीं होता है। तो अब आपको सिंपल भाषा में समझना है कि किसी सेल को डिवीजन में जाना है तो पहले किस फेज में जाएगी, बोलिए इंटरफेज में, जी1 में, यस में और जी2 में जाएगी। फिर वो माइटोटिक फेज में जाएगी,
माइटोटिक फेज में इसे एम फेज भी कहते हैं, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये जो फेज है जिसे हम लोग इंटर फेज कहते हैं, इस फेज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप यहां देखें। सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डालें कि सर ये इंटर फेज एक्सप्लेन कर लिया जाए कि इंटर फेज में क्या क्या हो रहा है। मतलब सबसे पहले आप इंटर फेज में लिखिए कि इंटर फेज, ये एनसीईआरटी लाइन में लिख रहा हूं, इंटर फेज इज द फेज बिटवीन, इंटर फेज इज द फेज, इंटर फेज इज द फेज बिटवीन टू माइटोटू सेल साइकिल। मतलब दो सेल साइकिल के बीच में टू माइटोटिक फेज लिख ले, बल्कि टू माइटोटिक फेज मतलब इंटर फेज जो होती है दो माइटोटिक फेज के बीच का फेज है। अगर आप समझना चाहते हैं समझ लें कि जी टू के बाद माइटोटिक है और जीवन के पहले माइटोटिक है, तो इंटरफेज क्या है, एनसीईआरटी लाइन है कि इंटरफेज दो फेज के बीच का, दो माइटोटिक फेज के बीच का फेज है पूरे सेल साइकिल का। देखिए 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल इंटरफेज में टोटल सेल साइकिल का अकेले 95% अकेले लेती है। मतलब अगर कोई सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है तो 23 घंटे अकेले इंटरफेज में लगेंगे, मतलब जीवन में लगेगा, यस में लगेगा, जी टू में लगेगा। फिर तीसरी बात देखिए, इंटरफेज भी फर्दर तीन फेज है, तीनों फेज के नाम लिख लीजिए, कंपोज्ड ऑफ थ्री फेजेस, इसके तीन फेज हैं, थ्री फेजेस हैं, तीनों के नाम आप लिख लें, कंपोज्ड ऑफ थ्री फेजेस नाम लिखिए, पहले का नाम जीवन है, फिर यस है, फिर जी टू है। यह इंटरफेज की तीसरी बात हो गई। मतलब इंटरफेज के तीन फेज हैं, दो एम फेज के बीच में है और पूरी सेल साइकिल का 95% अकेले टाइम लेती है। ये टाइम की बात पर, ये जो 95% लिखा है ये टाइम लेती है। मतलब अगर सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है तो 23 घंटे में अकेले ये पूरा इंटरफेज लेता है। फिर तीसरी बात देखिए, ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल का, मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल का, इसी फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं, अगर इंटरफेज में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, तैयारी होती है, इसीलिए कभी कभी लोग इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। तो चाहे आप इसे रेस्टिंग फेज कहें और चाहे इसे आप प्रिपरेटरी फेज कहें, दोनों बातें एक जैसी है। मतलब रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल का डिवीजन, अब यहां देख लें, जीवन या सी टू में किसी भी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, तैयारी हो रही है, मतलब सेल अपनी तैयारी कर रही है डिवीजन के लिए। तो जैसे सेल अपनी तैयारी कर रही है, डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इस रेस्पेक्ट में उसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। और दूसरा लिखा है आपने प्रिपरेटरी फेज है, मतलब सेल अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये बात आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, इसलिए आपको एनसीईआरटी बार बार लेके चलना है। एक बात और देखिए, एक बात आप लिख लें, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरे सेल साइकिल में लगातार, खास करके इंटरफेज में सेल की ग्रोथ लगातार होती रहती है, सेल की साइज हमेशा बढ़ती रहती है। ये बात भी एनसीईआरटी से है। एक बात और लिख ले, एक बात आपको ये याद करनी है कि देखिए, इन इंटरफेज ऐसे लिख ले, इन इंटरफेज सेल इज एक्सट्रीमली ऐसे लिख ले, सेल इज एक्सट्रीमली मेटाबोलिकली एक्टिव, सेल इज एक्सट्रीमली मेटाबोलिकली एक्टिव। ये देखिए, ये इंटरफेज भी जो सेल का मेटाबोलिक रेट है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपको इंटरफेज में क्या क्या याद करना है, ये लाइन है पहली बात तो आप जान लें, ये एनसीईआरटी है कि इंटरफेज दो एम फेज के बीच का फेज है, पूरी सेल साइकिल का 95% लेता है, तीन फेज होते हैं, जी वन या जी टू होता है, बहुत ही एक्टिव फेज है, इसे रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि तैयारी करती है सेल डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ जो होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इंटरफेज जो होता है इस फेज में सेल जो है बहुत ही एक्सट्रीमली एक्टिव होती है। ये सारे पॉइंट हैं जो इंटरफेज के, जिनको आपको अच्छे से याद करने हैं। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि इंटरफेज के तीन सब फेजेस है, पहला जीवन है, फिर यस है, फिर जी टू है। आइए तीनों फेजेस में इस सेल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये देखा जाए। तो सबसे पहले आप गैप वन को देखें, सबसे पहले आप जीवन फेज को देखें। ये देखिए, इसे जीवन फेज लिख सकते हैं आप, ऐसे आप लिखते हैं जीवन फेज है, या इसी को हम लोग गैप वन कहते हैं। मतलब आपको यहां समझना है कि अगर किसी सेल को डिवीजन में जाना है तो सबसे पहले वो जो पेरेंट सेल है वो जीवन फेज को पूरा करेगी।
तो इंटरफेज के तीन फेज है, G1 है, यस है और G2 है। तो सबसे पहली बात आपको ये लिखना है G1 फेज में क्या परिवर्तन हो रहा है। आपको सबसे पहले लिखना है कि ये मोस्ट वेरिएबल फेज है, मतलब इसका जो टाइम है वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। आप एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये टाइम जो है एनसीईआरटी में बड़ा दिखाया गया है, मतलब इन तीनों फेज में G1 या G2 में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है। अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा फेज है, G1 फेज मोस्ट वेरिएबल फेज है सेल साइकिल में, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये एक लाइन लिख सकते हैं, इट हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, मतलब सेल साइकिल का सबसे ज्यादा जो टाइम होता है वो G1 फेज में मिलता है। इसे गैप इसलिए कहते हैं, इसे गैप फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज पे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब आप समझे कि इस सेल के न्यूक्लियस पर जो डीएनए है वो डबल नहीं हो रहा है इस फेज में, बल्कि इसके बाद जो यस फेज है, ये देखिए ये यस फेज है, सिंथेटिक फेज है, इस फेज में डीएनए डबल हो जाता है सेल के अंदर। आप ये बात समझे, अगर आपको मैं यहां सिखाऊं कि मान लीजिए एक सेल है जिसमें 2n बराबर 46 क्रोमोसोम है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो इसमें डीएनए अमाउंट 2c है। यहाँ सी जो है अमाउंट ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर आपको ये बात समझनी हो तो सी क्या है, पहली बात आप ये समझ लें अमाउंट ऑफ डीएनए है, सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये समझना है। तो अगर आपसे कोई पूछे 2c में कितने बेस पेयर हैं, तो आप कहेंगे 6.6×10⁹ बेस पेयर इस 2c डीएनए में पड़े हैं। तो ये डी सेल है, पेरेंट सेल है, जिसमें डीएनए 2c है और क्रोमोसोम 46 है। जब ये सेल जीवन पूरा करेगी तब आप यहां देखें इसमें क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगी और डीएनए का जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस जीवन फेज में इस सेल के ये जो पेरेंट सेल है इसके क्रोमोसोम और डीएनए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप यहां पर यस फेज पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेल में जब ये क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या होता है डबल हो जाता है, मतलब 4c हो जाता है यस फेज के अंत में। मतलब यस फेज के अंत में इस सेल के अंदर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, आप इसे समझें कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है इस सेल के न्यूक्लियस में, और इस फेज के अंत में एक डीएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल का अमाउंट डबल हो जाता है। मतलब अगर आप समझें कि यहाँ 2n बराबर ये सेल कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये तो डिप्लॉयड सेल है। तो अगर आप सीखें डिप्लॉयड क्रोमोसोम के हिसाब से, लेकिन यहाँ डीएनए के हिसाब से ये सेल कैसी हो गई, टेट्राप्लॉयड हो गई। टेट्राप्लॉयड हो गई मतलब इसमें जो डीएनए है वो टेट्राप्लॉयड के बराबर है। अब आप यहां पर देखें, अगर आपको ये समझना है कि जीवन से यस में क्या क्या चेंज हुआ, सेल यहां से यहां जब गए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, यहां पर होता है यस फेज में होता है। इस फेज में सबसे बड़ी जो घटना होती है वो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। मतलब आपको ये बात समझना है, ये फिगर समझना है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो यहाँ जो डीएनए था उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। जब डीएनए का रिप्लिकेशन जीवन में नहीं होता है तो आप लिखिए इसे हम लोग प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं, या प्री सिंथेटिक फेज या प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं। इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, आपको ये बात सीखनी है। अगर आपसे एक बात और पूछ सकता है कि जीवन के पहले कौन सा फेज है, तो जीवन के पहले माइटोटिक फेज है। तो आपको एनसीईआरटी की गाइडलाइन लिखनी है कि गैप वन फेज इज इन बिटवीन जो फेज है वो इन बिटवीन है किसके किसके फेज में, माइटोटिक फेज एंड यस फेज। मतलब आप ये बात समझे कि ये जो ये है क्या कहते हैं जीवन फेज है, जीवन यस के फेज के पहले यस फेज है, सॉरी माइटोटिक फेज है, और जीवन के बाद कौन सा फेज है, यस फेज है। तो जीवन किसके किसके बीच में है, अगर आपसे मैं पूछूं तो भाई ये जीवन के पहले कौन सा फेज है, जी नॉट फेज है। अगर सेल को डिवीजन नहीं जाना तो जी नॉट पे जाती है। जी नॉट के पहले कौन सा फेज है, ये देखिए साइटोकाइनेसिस है। और मैं पूछूं साइटोकाइनेसिस जीवन का पार्ट है, यस का पार्ट है, जी टू का यम होता है, सर यम फेज का पार्ट है। तो इसका मतलब जो ये जीवन है ये यम फेज और यस फेज के बीच का पार्ट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या क्या परिवर्तन हुए, सबसे वेरिएबल फेज है सेल साइकिल में, इस इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं, गैप वन फेज कहते हैं, गैप वन फेज जो होता है वो यम फेज और जीवन यस फेज के बीच में होता है। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले सेल की साइज जो है इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक वैसे जैसे जब परिवार बढ़ता है, छोटा सा परिवार होता है, जब परिवार छोटा होता है तो परिवार बढ़ता नहीं है,
छोटा परिवार कभी भी डिवाइड नहीं होता है भाई, आप माँ बाप को दो बच्चे कभी डिवाइड नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है, समझना इस बात को आपको। लेकिन अगर यही परिवार बड़ा परिवार हो जाता है तो आप ये समझे कि बड़ा परिवार टूटने का चांस ज्यादा होता है। ये देखिए, ये बिखर जाएगा लेकिन ये नहीं बिखरेगा, क्योंकि इस परिवार पे कंट्रोल ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल को डिवीजन में जाना है तो सेल अपनी साइज को बढ़ा देगी। मतलब आप चाहे ध्यान लिख सकते हैं कि जीवन में सेल की साइज जो होती है बढ़ जाती है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि मोटा कॉन्सेप्ट है। और जीवन किसके बीच में है? जीवन जो है यस और यम फेज के बीच में है, इसका आपको ख्याल रखना है। और क्या सारे परिवर्तन इस जीवन फेज में होते हैं आप यहाँ देखें, तो जीवन फेज में और क्या चेंज आते हैं ये देखिए। यह जीवन फेज है, जीवन फेज में देखिए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लिख लीजिए, लाइक पूरी बात लिखिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और नाम लिखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नाम गॉल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी और देखिए लाइसोसोम। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर हैं, आप सीधे एक लास्ट लाइन लिखिए बिकम्स डबल, मतलब सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएंगे। आपको ये सीखना है, मतलब ये जो फेज है जो आप जीवन फेज देख रहे हैं, इस फेज में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आपको ये बात समझनी है, इस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब डबल हो जाएंगे। तैयारी है, जैसे घर बढ़ता है, घर में है, अगर परिवार बढ़ता है तो उसमें जो भी घर में वस्तुएं होती है अगर वही होती है तो डबल की जाती है, कोई फाड़ के तो बांटे भी नहीं उसको। सेम सेल के साथ होता है जो फैमिली के साथ होता है, ये बात आपको सीखना है। तो इस सेल यहाँ जीवन फेज पूरा करने के पहले इसकी सेल की साइज बढ़ी, सेल के ऑर्गेनेल्स बढ़ गए, और क्या हुआ सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, अगर आप ये समझे ट्रांसक्रिप्शन माने, सीधी सी लाइन लिखे कि ट्रांसक्रिप्शन माने हुआ प्रोडक्शन ऑफ क्या क्या लिखता शुरू करिए, प्रोडक्शन ऑफ एम आर एन ए एंड टी आर एन ए। ये चार तरह के, तीन तरह के आर ने इस सेल के अंदर बने, किस सेल के अंदर बने, इस सेल के अंदर जो जीवन फेज को पूरा कर रही है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एम आर ने बना, आर आर ने बना, टी आर ने बना, और इस समय जो है एक बात और लिखिए, प्रोटीन सिंथेसिस होगी सेल के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसका भी एक प्रश्न है कि भाई प्रोटीन तो किसी भी फेज में बन सकती है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगी, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं, उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन इसी फेज में होगा, जीवन फेज में होगा। तो जीवन फेज में क्या क्या हुआ आप देखिए, मोस्ट वेरिएबल फेज है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं, गैप पॉइंट जो है वो यस और यम फेज के बीच में है, सेल की साइज बढ़ती है, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब तीनों तरह के आरएनए बनते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और देखिए सेल का जो सरफेस एरिया है, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, सेल का सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस समय जो होती है सेल इज एक्सट्रीम मेटाबोलिकली एक्सट्रीमली एक्टिव। सेल जो होती है मेटाबोलिकली एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाती है, मतलब बहुत ही एक्टिव होती है, उसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। जो ये सेल है इसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो ये सारी परिवर्तन होते हैं किस फेज में, जीवन फेज में। जीवन फेज सबसे बड़ा फेज है, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज है, सेल आरएनए सबल हो जाते हैं, आरएनए का प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती है, सेल की साइज बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप यहां भी लिख सकते हैं सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ऐसा हो जाता है, जब किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आप बताइए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आप सेल को डिवीजन में जाना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, सेल अगर जीवन फेज में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जीवन फेज को छोड़ के जीवन के बाद अगर वो यस पे जाती है तो यस फेज डिटर्मिनेंट फेज है।
मतलब अगर वो एस पे चली गई तब सियोर है कि सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सेल जीवन फेज में है तो जरूरी है सेल को डिवीजन में जाना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब डिटरमिनेंट फेज जीवन फेज नहीं है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। बेटा देखो, मैंने अभी आपको बताया जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है। सेल की साइज बढ़ रही है, सेल आरपीएस डबल हो गए, आरएनए के प्रोडक्शन हुए, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं। लेकिन जब सेल जीवन फेज पूरा कर लेती है तो सेल की साइज बढ़ती है, सेल आरपीएस डबल बढ़ते होते हैं, आरएनए का प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज है। लेकिन इस सेल के क्रोमोसोम और डीएनए के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवन फेज के अंत में। अब यह सेल जीवन फेज से यस फेज में जाती है। जब सेल जीवन फेज से यस फेज में जाती है तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। डीएनए इस सेल के न्यूक्लियस में डबल हो जाता है। और दूसरा काम होता यह है कि इसके अंदर हिस्टोन की सिंथेसिस हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है यहां पर बनना शुरू हो जाती है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। यह दूसरा काम होता है सेल साइकिल का। और तीसरा काम ये होता है कि इस सेल के अंदर जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। मतलब तीन काम होते हैं इस यस फेज में, एनसीईआरटी ने तीनों फेज लिखे हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या तो कांस्टेंट होती है, सेम होगी, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट हो जाता है वो डबल हो जाता है। मतलब आप अगर यहाँ डीएनए का अमाउंट 2c लिख रहे हैं तो एनटी यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 4c हो जाता है। ये बात आपको यहाँ लिखना चाहिए कि सेल इंटरफेज का दूसरा फेज जो है उस फेज का नाम यस फेज है। इसे यस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए डबल हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। मतलब जो सिंथेसिस हो रही है वो सेल के न्यूक्लियस में डबल हो रहा है, इसलिए सिंथेटिक फेज कह रहे हैं। तो आप मेनली लिखिए कि सर देखिए डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज, डीएनए रिप्लिकेशन ये लिखिए। अगर आपको ये बात समझनी है तो यह डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर और इस डीएनए मॉलिक्यूल से इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। मतलब आप एक बात यहां लिखना चाहिए, स्पेशल पेन से लिखना चाहिए, डीएनए रिप्लिकेशन होता है सो अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल। डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जा रहा है, सो अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट। ये देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट, मतलब जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के अंदर उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। आप एक बार प्लीज यहां पर फोकस करें, यहां देखिए इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 12 बराबर 46। और सेल ने जब यस फेज पूरा कर लिया तब भी देखिए क्रोमोसोम कितने, 2 बराबर 46, लेकिन डीएनए का अमाउंट देखिए 2c कितना हो गया, 4c हो गया। तो इस तरह से आप देखिए क्रोमोसोम की संख्या तो सेम होगी लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2c का 2 गुना होगा। इस तरह डीएनए का अमाउंट 4c हो जाएगा। 4c मतलब डीएनए 4 गुना हो गया, 2 गुना बढ़ गया। और जब 4c डीएनए हो जाएगा तो ये डीएनए जो है सेल के अंदर टेट्राप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड सेल के बराबर होता है। टेट्राप्लॉयड मतलब 4n सेल के बराबर डीएनए है। वो गाना सुना होगा आपने, इसके लिए गाना बहुत बढ़िया सा है कि आकाश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। क्रोमोसोम तो 46 है लेकिन डीएनए उसमें डबल है, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है, 4c के बराबर डीएनए है, जबकि 46 क्रोमोसोम में 2c बराबर डीएनए होना चाहिए, लेकिन डीएनए कितना है, 4c के बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो इस फेज में ये बड़ा काम होता है यस फेज में। और दूसरा अगला फेज काम क्या होता है, इसी यस फेज में सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। इसी यस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए आपको विशेष करके ध्यान रखना है, आपसे ये बात पूछी जाएगी। एक बात और होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये देखिए, अगर मैं ऐसे आपको एक ग्राफ बना दिखा दूं कि अगर कोई डिप्लॉयड सेल है, ये देखिए इसमें 2n बराबर 46 क्रोमोसोम है और डीएनए जो है इसमें 2c है, ये देखिए 2c है। अगर आप इस सेल को जीवन फेज में भेज रहे हैं तो देखिए यहां पर क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n बराबर 46 ही होंगे। डीएनए कितना होगा, डीएनए भी वही होगा, 2c होगा,
कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर सेल जी1 में जा रही है। लेकिन जब ये सेल यस फेज में जाती है, मतलब यस फेज में सेल जा रही है, तो ये देखिए डीएनए का अमाउंट तो सॉरी क्रोमोसोम का अमाउंट तो सेम रहेगा, 12/46, लेकिन जो इसका डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, 4c हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन जब ये सेल जी2 फेज में जाएगी तब वो डीएनए सेम रहेगा, सॉरी क्रोमोसोम सेम रहेगा 12/46, लेकिन डीएनए का अमाउंट सेम रहेगा। अब ना डीएनए बढ़ेगा ना घटेगा, डीएनए 4c ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए कहां पड़ता है, डीएनए बढ़ता है यस फेज में, डीएनए डबल हो जाता है, सेंट्रोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अब सेल यस फेज पूरा कर लेती है। एक बात आपको यस फेज के बारे में और लिखना चाहिए, एक फेज और लिखना चाहिए कि यस फेज जो है डिटर्मिनेंट फेज है। डिटर्मिनेंट फेज मतलब क्या हुआ, इस फेज में अगर सेल चली गई तो अब सेल को डिवीजन में जाना ही पड़ेगा, सेल साइकिल का डिटर्मिनेंट फेज है यस फेज। मतलब अगर यस फेज में सेल चली गई तो अब उसको डिवीजन में जाना ही पड़ेगा, जबकि जीवन जाने में से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है डिप्लॉयड सेल में, ये प्लॉयडी आपको ध्यान रखना है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आता है जी2 फेज का, तो जी2 फेज को हम लोग कहते हैं गैप2 फेज कहते हैं, लिख लीजिए यहां पर, इसका नाम है गैप2 फेज। तो गैप2 आप यहां देख लें, तो यहां पर काम हुआ, आप ऐसे बना दीजिए, यहां जी2 बना दीजिए, इस सेल को यहां ले आइए और देखिए अब सेल के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। पहले आप ये देख लीजिए 2n/46, क्रोमोसोम संख्या सेम, लेकिन डीएनए के अमाउंट भी अब सेम रहेगा, 4c रहेगा। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले ट्यूबुलिन की सिंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस होती है, ये एक बड़ा काम होता है। आप ये सारी डिस्कशन यहां लिखें, तो जी2 फेज को पहला नाम देते हैं हम लोग पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज, पोस्ट डीएनए कौन सा फेज, सिंथेटिक फेज, पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन के बाद का फेज है। डीएनए का रिप्लिकेशन कहां हो रहा है, यस फेज में, उसके बाद का फेज कौन सा है, जी2 फेज है। न यहां डीएनए का रिप्लिकेशन न हो रहा है न यहां पे हो रहा है, दोनों जगह नहीं हो रहा है, इसलिए इसे गैप हो गया, डीएनए के रिप्लिकेशन का गैप हो गया, इसलिए इसे गैप वन कहते हैं, इसे गैप टू कहते हैं। यहां पर देखें पोस्ट डीएनए रिप्लिकेशन होता है, फिर देखिए यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लिखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, ये दूसरा काम हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये नोट कर दीजिए। और तीसरी बात लिखिए माइक्रोट्यूबुल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, माइक्रोट्यूबुल्स की भी सिंथेसिस यहां पर शुरू हो जाती है, क्योंकि यही माइक्रोट्यूबुल्स आगे चल के सेल साइकिल में सेल डिवीजन में मदद करेंगे। और एक बात लिख लीजिए सेल स्टोर्स एटीपी, अब यहां से सेल जो होती है एटीपी को स्टोर कर लेती है और डिवीजन के लिए डिवोटेड हो जाती है, मतलब जी2 में पहुंचने के बाद सेल का डिवीजन होगा। और अब देखिए शुरू हो जाते हैं वो फेज जिनका नाम आपने पढ़ा है, अब ये सेल जाएगी किस फेज में, प्रोफेज में जाएगी, फिर कहां जाएगी सेल, नोट करिए मेटाफेज में जाएगी, फिर कहां जाएगी एनाफेज में जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, एनाफेज में जाएगी, फिर सेल कहां जाएगी टेलोफेज में जाएगी, टेलोफेज में जाएगी, फिर कहां जाएगी ये लिखिए साइटोकाइनेसिस में जाएगी, साइटोकाइनेसिस में जाएगी, और इस तरह से एक सेल से डिवाइड होके दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा अगर माइटोसिस हो रही तो। अब अगर ये जो दो सेल्स बनी है ये पहले जी1 में जाएंगी, और अगर इनको डिवीजन में नहीं जाना है तो जी2 से चली आएंगी एक अगला फेज में जिसका नाम जी0 फेज है, इसे क्विसेंट फेज कहते हैं। तो अगर आपको जी0 लिखना है तो आप यहां पर लिखिए सर जी0 फेज कौन सा फेज है, तो जी0 फेज क्या है कि अगर सेल डिवीजन में नहीं जाना है, सेल डिवीजन में नहीं जाना है तो सेल जो है जी1 फेज को लीव करके जी0 फेज में चली जाएगी, किस फेज से, जी1 फेज को लीव करिए इस फेज में चली जाएगी, जी0 फेज में चली जाएगी, और सेल संन्यास ले लेगी, डिवीजन के लिए तैयारी नहीं करेगी, सेल एकदम रिलैक्स होकर चिल्ड फॉर्म में पड़ी रहेगी, ध्यान दीजिएगा इसका। देखो बेटा अब हम लोग देखते हैं जी0 फेज क्या है, तो आप देखिए एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो इसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं। देखिए अगर सेल को डिवीजन में नहीं जाना है, व्हेन सेल देखिए लीव्स जी1 फेज, लीव्स जी1 फेज एंड डू नॉट प्रोलीफरेट फर्दर, अगर सेल ने जी1 फेज को छोड़ के प्रोलीफरेट फर्दर, मतलब वो फिर से
तैयारी नहीं करती है डिवीजन की, संन्यास ले लेती है सेल। आप ऐसे समझिए, व्हेन सेल लीव्स जीवन फेज एंड डू नॉट प्रोलिफरेट फर्दर, देन दिस इज कॉल्ड, देन दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, ये देखिए दिस इज कॉल्ड जी नॉट फेज। मतलब अगर सेल जीवन फेज को छोड़ के डिवीजन में सेल ने संन्यास ले लिया, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं कि सेल ने क्या ले लिया, सेल ने ऐसे लिख लीजिए, सेल ने संन्यास ले लिया, अब सेल डिवीजन नहीं करना चाहती है, संन्यासी हो गई। अब भाई घर द्वार छोड़ के कोई चला गया, जब घर द्वार छोड़ के चला गया तब उसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ऐसे ही सेल जीवन फेज को लीव करके जी नॉट फेज में चली जाती है। अब इस फेज में सेल क्या होती है, आप एक बात देखिए, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, एनसीईआरटी जिंदाबाद, सेल इज क्या, मेटाबोलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। इसमें सेल मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है, मतलब जी नॉट फेज में अगर सेल है तो उसमें मेटाबोलिज्म होती रहती है, लेकिन मेटाबोलिज्म होती रहती है बट एक बात और लिख लें, बट डू नॉट प्रिपेयर फॉर डिवीजन, कभी भी वो डिवीजन की तैयारी नहीं करती है, मतलब वो डिवीजन में जाना ही नहीं चाहती है। तो अगर सेल जो है जीवन फेज को छोड़ के इनएक्टिव फेज में चली जाती है और डिवीजन की तैयारी नहीं करती है तो इस फेज को हम लोग जी नॉट फेज कहते हैं। सेल ने क्या ले लिया, सेल ने संन्यास ले लिया। अगर आप एक्स के एग्जाम्पल्स देख लें कौन की कौन सी सेल से डिवीजन में नहीं जाती है, तो सबसे पहले देखिए, एक उम्र के बाद हमारी जो बॉडी की सेल्स है खास करके हार्ट की सेल्स है वो डिवीजन में नहीं जाती है। तो हार्ट की आखिर कौन सी सेल्स है, हार्ट किसका बना है, मसल्स का बना हुआ है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, हार्ट किस सेल्स का बना हुआ है, सिंपल बात समझिए इस बात को, हार्ट किस मसल का बना है, कार्डियक मसल का। इसका मतलब एक उम्र के बाद जो हमारी कार्डियक मसल है वो डिवीजन में नहीं जाती, कौन सी उम्र है, 12-13 साल की, मतलब हार्ट सेल्स एक टाइम बाद डिवीजन नहीं अगर जाएंगे तो हार्ट की साइज बढ़ती जाएगी। दूसरा देखिए, अगर आप दूसरा देखिए हार्ट सेल्स के बाद, तो ये देखिए नर्व सेल होती है, नर्व सेल जो होती है अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए बिफोर बर्थ, मतलब अगर आप बर्थ के पहले देखें, बिफोर बर्थ देखें, पैदा होने के पहले, तो बिफोर बर्थ इसमें डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है नर्व सेल में, बिफोर बर्थ डिवीजन होता रहता है, लेकिन आफ्टर बर्थ अगर बच्चा पैदा हो गया, आफ्टर बर्थ बच्चा पैदा हो गया तो ये देखिए नो डिवीजन, बिफोर बर्थ डिवीजन होता रहेगा लेकिन जब आफ्टर बर्थ बेबी पैदा हो जाएगा तो उसमें डिवीजन नहीं होगा नर्व सेल में। क्यों नहीं होगा अगर आपसे कोई पूछे, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, लैक ऑफ सेंट्रियोल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर्व सेल है पैदा होने के पहले वो डिवीजन में रहता है, डिवीजन होती रहती है, लेकिन पैदा होने के बाद नर्व सेल का डिवीजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। और देखिए हमारी बॉडी की एक सेल है जिसे कार्टिलेज सेल्स कहते हैं, ये कार्टिलेज सेल्स भी एक निश्चित समय के बाद इनका डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, अगर आप ध्यान दें तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो उसका भी डिवीजन नहीं होता है। तो ये वन सेल्स के नाम है, ये उन सेल्स के नाम है जो डिवीजन में नहीं जाती हैं। एक नाम और आप देख लीजिए, परमानेंट टिश्यूज, खास करके आपको इन दोनों नाम को याद रखना है कि हार्ट सेल्स का, नर्व सेल्स का ह्यूमन बॉडी में डिवीजन एक निश्चित समय के बाद नहीं होता है, खास करके नर्व सेल का डिवीजन पैदा होने के बाद नहीं होता है। ये सारी सेल्स किस फेज में चली जाती है, जीवन फेज को लीव करके जी नॉट फेज में चली जाती है और अपने डिवीजन को रोक देती है। लेकिन इस समय ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, सिंसियाटी ने साफ साफ ही कहा है कि इस फेज में भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हाँ सेल डिवीजन की तैयारी नहीं कर रही है, इसका ध्यान रखना है। अगला आपके यहाँ जो टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है कि व्हाई सेल डिवाइड्स, कोई सेल डिवीजन में क्यों जाती है, क्या जरूरत है सेल को डिवीजन में जाने की। तो अगर आप व्हाई सेल डिवाइड्स का क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो हम आपसे पूछेंगे परिवार क्यों डिवाइड होता है, परिवार कब डिवाइड होता है, परिवार तब डिवाइड होता है जब परिवार की साइज बढ़ जाती है। तो अब आप देखिए वाई सेल डिवाइड्स का जो कॉन्सेप्ट था, इसको एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कैरियोप्लाज्म थियरी। आप ध्यान से देखेंगे इस शब्द को, कैरियोप्लाज्म थियरी का मतलब क्या हुआ, तो कैरियो माने न्यूक्लियस हुआ, प्लाज्म माने क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, कैरियो माने न्यूक्लियस हुआ, प्लाज्म माने साइटोप्लाज्म हुआ। तो कैरियोप्लाज्म थियरी में अगर आप देखें तो एक्सप्लेन्ड बाई हार्टविग एक साइंटिस्ट है, ये देखिए एक्सप्लेन्ड बाई हार्टविग एक साइंटिस्ट है, उनका नाम हार्टविग है, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था।
ये देखिए कैरियोप्लाज्म थियरी को हार्टविक ने एक्सप्लेन किया, क्या कहा उसने देखिए, हार्टविक ये कहते हैं कि देखिए के आई जो होता है अगर के आई इज इक्वल टू लिखा जाए तो इसका फार्मूला है वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। तो यहां पर वी एन क्या है अगर आपको लिखना है तो यहां वी एन जो है वो है वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। पहले आप ये बात नोट कर लें, वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। वी सी क्या है, ये वैल्यूम ऑफ सेल है। तो वी सी माइनस वी एन क्या हुआ, तो अगर आप सेल से न्यूक्लियस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो के आई में क्या दिखा जाता है, के आई में देखा जाता है कि उस सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कितना है। या इसी बात को आप ऐसे ले सकते हैं कि सर देखिए के आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इस बात को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बात को जरूर समझिएगा कि के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब क्या हुआ, के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हुआ। तो के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक, तो अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सबसे पहले आप देखिए, ये सेल है छोटी साइज की, ये सेल है खूब बड़ी साइज की, इन दोनों सेल्स में कौन सी डिवाइड होगी। अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि ये सेल की साइज है, स्मॉल साइज की सेल है, आपने लिख दिया, इसको आपने लिखा लार्ज साइज की सेल है। तो ये देखिए लार्ज साइज की सेल है, दोनों बातें आप क्लियर कर लीजिए। मतलब एक छोटा परिवार आपने पढ़ा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों है, तो अगर स्मॉल साइज की सेल है, साइज अगर इस सेल का छोटा है तो क्या होगा, हाई होगा। स्मॉल सेल का साइज, अगर स्मॉल सेल की साइज है, लेस साइटोप्लाज्म होगा। आप देखिए इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, कम होगा। जब साइटोप्लाज्म कम होगा तो इस सेल का के आई क्या होगा, हाई होगा। इस सेल में अगर मैं आपसे पूछूं जो साइज बड़ी साइज की सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म हमेशा इसका ज्यादा होगा, तो इसका के आई क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, मैं थोड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो के आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटी साइज के सेल है साइटोप्लाज्म कम है, के आई ज्यादा है, बड़ी साइज के सेल है के आई कम है। इसका मतलब अगर आपको सामान्य भाषा में लिखना हो तो बताइए, इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस प्रॉपरली कंट्रोल्स साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। अगर छोटी साइज का सेल है तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करता है। मतलब आप सोचिए, अगर आप दो भाई बहन हो, आपके माँ बाप, तो माँ बाप के यहाँ न्यूक्लियस है और भाई बहन के यहाँ साइटोप्लाज्म, तो आपके यहाँ साइटोप्लाज्म कम है, मतलब परिवार छोटा है, के आई बड़ा है, मतलब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में कंट्रोल अच्छा है। तो बताइए आप डिवाइड हो जाएंगे, कभी नहीं डिवाइड होंगे। दूसरी स्थिति देखिए, बड़ी साइज की सेल है, रावण सुन था 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, 1 लाख पूत है 1.25 लाख नाती है रावण के यहाँ, ता रावण घर दिया ना बाती। तो ऐसे परिवारों में डिवाइड होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मेंबर्स ज्यादा है लेकिन कंट्रोल क्या है, कम है। एक घर में 100 सदस्य हो, रोज कहीं किसी कंट्रोल नहीं बनेगा, तो कौन सी सेल डिवाइड होगी। अगर आप देखें न्यूक्लियस डू नॉट कंट्रोल प्रॉपरली साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, तो बताइए कौन सी सेल डिवाइड होगी। मैं आपसे पूछता हूं साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, इसमें कौन सी सेल डिवाइड होने का चांस है ज्यादा, कौन सी सेल, जिस सेल का के आई कम है या जिस सेल का के आई ज्यादा है। आप बोलिए क्या कहते हैं, किस सेल का डिवीजन होगा, जिस सेल का केआई ज्यादा है या जिस सेल का केआई कम है। केआई मैंने बता दिया किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर केआई कम है तो साइटोप्लाज्म ज्यादा है, केआई ज्यादा है तो साइटोप्लाज्म कम है। तो कौन सी डिवाइड होगी, वो सेल डिवाइड होगी जिसका केआई कम होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल अगर जीवन फेज में जाकर अपनी साइज को बढ़ाती है तो इसलिए बढ़ाती है ताकि सेल का जो केआई है वो सेल का के आई को जब साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो के आई क्या होगा, घट जाएगा और सेल डिवीजन के लिए जाना शुरू कर देगी। इसीलिए सेल जीवन फेज में अपनी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को बढ़ा देती है। बेटा आपने ये पढ़ा है ना कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अगर होता है, अगर सेल का डिवीजन कंट्रोल बिगड़ जाए तो क्या होता है, कैंसर होता है, ये सब लोग जानते हैं आप। अगर सेल का डिवीजन बिगड़ जाए, आपकी आदतें खराब हो जाए, तो आपकी आदतों में भी कैंसर होता है। आदतों में कैंसर कैसे होता है, आप बीड़ी सिगरेट पीने कोई चला जाता है उसको मना करिए नहीं मानता है, तो सिगरेट पीना शुरू कर देता है।
तो अगर नॉर्मल सेल होती है तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है कि अगर आप किसी गलत काम को करने जा रहे हैं और मैंने आपको मना किया, गलत काम है, आपने मान लिया, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपने गलत काम किया, मैं मना कर रहा हूं, आप नहीं मान रहे, इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं है, आपकी आदतों में कैंसर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप यहां देखें, एक सेल साइकिल है G1 या G2M, इस सेल साइकिल का कंट्रोल होना चाहिए। सेल को कब G1 से S में जाना है, सेल को कब GS से G2 में जाना है, कब G2 से M में जाना है, इसका भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। हेडिंग देखिए, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। तो जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल में अगर आप देखें तो खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम CDKs है। तो CDKs का पूरा नाम है, पहले आप इनका नाम समझें, इनका पूरा नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग CDKs कहते हैं। इन CDKs को बनाने के लिए हमारी बॉडी में या ईस्ट की बॉडी में जीन्स को खोजा गया है। उन जीन्स का नाम CDC28 है, CDC29 है, ऐसे ये जीन्स के नाम हैं जो हमारी बॉडी में खोजे जाते हैं। मतलब ये CDKs हैं जो सेल में डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। जब सेल डिवीजन में जाती है तो इस सेल में मेनली दो चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट मतलब जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो आपका भी दो चेक पॉइंट है। एक चेक पॉइंट है जो आपके माँ बाप आपको चेक करते हैं और दूसरा हम खड़े हैं आपको चेक करने के लिए। तो अगर आप चेक पॉइंट देखते हैं तो पहला जो चेक पॉइंट है सेल साइकिल का वो है G1 से यस फेज के बीच में, और दूसरा जो चेक पॉइंट है वो है G2 से यम के फेज में। मतलब जब सेल G1 से यम में जाए, यस में जाएगी, और G2 से जब यम में जाएगी तो उस समय सेल साइकिल को चेक किया जाएगा कि क्या जो उसमें आवश्यक रिक्वायरमेंट है, जो सेल के लिए जरूरी है, क्या ऐसा सेल ने फुलफिल किया है कि नहीं। जैसे आप जाते हैं कहीं एग्जाम देने तो उसमें आपकी कॉपी चेक होती है, मार्कशीट चेक होती है, ऐसे यहां भी चेकिंग होती है। हम नहीं चेक करते हैं, यहां पर एक खास तरह का ये प्रोटीन पड़ी है जिसका नाम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं। काइनेजेस लगा ये खास तरह के प्रोटीन्स हैं जो खास तरह की सेल साइकिल कंट्रोल करती है। अब आप यहां देखिए, ये है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, इसको हम लोग CDKs कहते हैं। ये खास तरह का ऐसे स्ट्रक्चर पड़ा है, यहां देखे आप, इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम CDKs है। ये देखिए, अब ये CDKs है जो काइनेजेस के ऊपर डिपेंड है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस नाम है। तो अब ये G1 से यस पिक कब जाएगा, आप ये बात समझिए, ये CDK अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। मतलब CDK इनकम्प्लीट है, सेल G1 फेज में पड़ी है, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म पड़ी है, ध्यान दे रही है कि सेल में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब सेल को G1 से किस फेज में जाना है, यस फेज में जाना है। तो अगर सेल को G1 से यस फेज में जाना है तो यहां पर देखिए, ये खास तरह के साइक्लिंस पाए जाते हैं। इन साइक्लिन का नाम यस साइक्लिन है, ये देखिए यस साइक्लिन नाम है, ये पहला साइक्लिन है। अब ये यस साइक्लिन क्या करेगा, ये यस साइक्लिन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, किसके साथ, CDK का, CDK के साथ। ये देखिए, ये CDKs है, ये आपका CDKs है, और जब ये यस साइक्लिन जुड़ जाएगा तभी ये CDKs सेल को G1 से यस फेज में भेजेगा। मतलब ये साइक्लिन जुड़ेगा तभी सेल जो है G1 से यस फेज में आएगी, और जैसे ही ये साइक्लिन इससे जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से। मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा और इस समय इसका नाम यस CDKs हो जाएगा। ये देखिए, यस CDKs हो जाएगा और सेल क्या करेगी, G1 फेज से यस फेज में चली आएगी। जैसे ही ये अलग हो जाएगा और सेल G1 से यस में जाने लगेगी तो ये जो CDKs है, ये जो साइक्लिन है, ये ब्रेक कर जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये जो CDKs हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये G1 से यस में और यस से कहां चले आएंगे, G2 फेज में चलाएगा। ये देखिए, ये ऐसे चुपचाप अपने G2 फेज में ये जो साइक्लिन है ये चलाएगा। मतलब आपको ये बात समझनी है, तो अच्छे से समझनी है कि अगर सेल को G1 से यस में आना है तो किस साइक्लिन को जुड़ना पड़ेगा, यस साइक्लिन को CDK से जुड़ना पड़ेगा, यस साइक्लिन को CDK से जुड़ना पड़ेगा। और जब यस साइक्लिन CDK से जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यस CDKs, और ये जो यस साइक्लिन आगे चल के फिर से डिग्रेड कर जाएगा। चाहे आप यहां लिख लेते हैं, लिख लीजिए तो आपको क्लियर रहेगा, डिग्रेडेड यस साइक्लिन। मतलब जैसे ही ये एंटर करेगा यस साइक्लिन तुरंत खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, फिर से वही बचा क्या, या आप इसका नाम लिख दीजिए सर, ये फिर से CDKs बचे। अब इस सेल यस से कहां चली आई, G2 में, यस से G2 में कोई चेक पॉइंट नहीं है, आप मैंने देखिए लिखा हुआ है G1 से यस में चेक पॉइंट है, जिसे इस चेक पॉइंट को कौन क्लियर कराता है, इस चेक पॉइंट को कराता है यस साइक्लिन। फिर अब आप देखिए CDKs अब यहां पर चली आएगी, अब सेल को G2 से यम में जाना है। जब सेल को G2 से यम में जाना है तो यहां भी खास तरह का साइक्लिन पड़ा हुआ है बेटा, इस साइक्लिन का नाम यस साइक्लिन है,
ये देखिए, यम साइकिल ने ये दूसरा चेक पॉइंट क्लियर करता है, ये फिर से यहाँ पर ऐसे जुड़ जाता है। इस किस किस का ये कौन सा स्ट्रक्चर है आप पीछे देख लीजिए, इसका नाम क्या है, सीडीकेस। और इस सीडीकेस के साथ ये यम साइक्लिन आके जुड़ जाता है, इसे कंप्लीट करता है और अब इसका नाम पूरा हो जाता है यम सीडीकेस। ये देखिए, अब सेल कहां से आ गई, जी टू से यम फेज में चली आई, मतलब दूसरा चेक पॉइंट सेल ने क्लियर किया, मतलब सेल डिवीजन के लिए तैयार है। और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ये जो यम साइक्लिन ये फिर से डिग्रेड कर जाएगा, जब यम साइक्लिन फिर से डिग्रेड कर जाएगा, आप इसे लिख लें, आपको क्लियर रहेगा कि आगे चल के यम साइक्लिन डिग्रेड कर जाएगा फिर से बेकार हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, तो बचेगा क्या। अगर आपको बच के दिखाना है तो आप दिखाइए कि सर सीडीकेस फिर से बचे रह गए। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आखिर सेल साइकिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं कौन, ये लोग हैं, इनका नाम सीडीकेज है, ये सीडीकेज कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके पास साइक्लिंस कितने हैं, अगर आपको लिखना हो तो साइक्लिंस दो तरह के हैं, कौन कौन से साइक्लिंस हैं, एक साइक्लिन है जिसका नाम है यस साइक्लिन और दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है, यम साइक्लिन। ये साइक्लिन है जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जब ये यस साइक्लिन जुड़ेगा तो सेल G1 से यस में आएगी, जब यम साइक्लिन जुड़ेगा तो सेल G2 से यम में जाएगी। इस तरह से ये जेनेटिक कंट्रोल है सेल साइकिल का, जब तक ये कंट्रोल बना रहेगा सेल का डिवीजन नॉर्मल होगा। अगर ये कंट्रोल किसी भी तरह से बिगड़ गया तो आप कहेंगे क्या कहती दुनिया, ये देखिए आप कहेंगे सर देखिए अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगा। और जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगा इस साइकिल को कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात होगी, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, मतलब इस सेल साइकिल को कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर बिगड़ गया तो व्यक्ति को कैंसर होना फिक्स है, इसका ध्यान रखना है आपको, 100% कह रहा हूं, ध्यान रखिए इसका।